जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम हरसिंह पटेल, जी मैं डावरवाड़ी खंडाला जिला सतारा महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी भाई मैंने पिछली बार आपको सवाल किया था, जी मैंने बच्चे का नाम जैद बताया था, लेकिन सुनने में आपको जैद आ गया। जैद, हाँ, औरंगजेब का जैद, जैद। जैब जैब, ठीक, तो बच्चा 10 साल का है जी और 6th क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसका जहन कुछ चल नहीं रहा है। तो जी बहुत से लोगों का कहना है कि उसका नाम में थोड़ी खराबी है, नाम को थोड़ा तब्दील कर दो, बदली कर दो। इसके बारे में ठीक आपकी है राय जानने चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपको बताया जाएगा इसका क्या मतलब है। मुफ्ती साहब, भाई ने सवाल किया था एक मौजू से थोड़ा सा हटकेज, बच्चे का नाम जैब है, बड़ी परेशानी रहती है। जी, जैब के माने में कोई ख़राबी है नहीं। जैब खुद जीनत के माना में आता है, और इस सिलसिले की बात ही नहीं बल्कि इस सिलसिले में और भी लोग पेचीदगियों में मुबतला होते हैं नाम के सिलसिले में, कि वो नाम रखने से शायद कोई मुसीबत आई होगी, कोई परेशानी आई होगी। देखिए, नाम पहले रखते वक्त मशवरा करना चाहिए किसी भी आलिम दीन से, कुरान और सुन्नत के जानने वाले से। और अगर नाम रख दिया गया फिर उसके बाद उसमें अगर मानवीय एतबार से ख़राबी है तो नाम बदलना चाहिए, लेकिन ख़राबी नहीं है तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैद हो या जैब हो, दोनों के अंदर भी मानवीय एतबार से कोई बुराई का पहलू नहीं है। रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, रख चुके हैं तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।